अमीर लड़की वर्सेस गरीब लड़की का रोल बदल गया। जब आप अमीरी में रहते हैं तो गरीब होने की कल्पना करना मुश्किल है। ये लौला का सबसे बुरा सपना है, पर काश ये सिर्फ एक सपना ही रहा होता। पर काइली अपने सपनों की दुनिया से जगकर खुश नहीं है, जहाँ वो अमीर है। पर सच्चाई और सपने एक जैसे नहीं होते। जैक को अपना पेन नहीं मिल रहा, शायद वो लौला से एक ले सकता है। उसके पास है पर उसे ढूंढना मुश्किल होगा। उसका बैग पैसों से इतना भरा है कि पेन ढूंढना नामुमकिन है। काइली के साथ ऐसा नहीं है। लौला को बहुत जलन हो रही है। जैक को काइली से बात करते देख मिस्टर क्विंटन की क्लास में हमेशा बहुत सारे नोट्स लिखने पड़ते हैं। बस एक ही काम, लिखो लिखो और लिखो। इतने सारे नोट्स लिखने का मतलब बहुत सारी इंक की जरूरत। काइली आउट हो गई। शुक्र है जैक के पास अब भी एक्स्ट्रा पेन है, पर लगता है इसकी भी इंक खत्म हो गई है। लौला बहुत खुश है। अब काइली को एक नया पेन चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने दिमाग में नोट्स रखने होंगे? किसे पता था आज हम एक इमेजिनेशन कोर्स करेंगे। प्रोफेसर है एल मैजिको। देखते हैं कौन किसके सपने देख रहा है। काइली अमीर होना चाहती है, लौला अपनी अमीरी छोड़ना चाहती है। थोड़ा सा जादू और लड़कियों ने जिंदगी बदल ली। अब उन्हें बहुत से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। निक ने हालात का फायदा उठाने का सोचा। हाथ उठाओ, ये पैसे एल मैजिको के हैं। लौला की नई जिंदगी दिलचस्प होने वाली है। उसकी मॉम ने उसके लिए सूप बनाया है, पर घर में कोई चम्मच नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ब्रेड से सूप पी सकती हो। बस इस नरम हिस्से को निकाल लो और क्रस्ट को चम्मच की तरह इस्तेमाल करो। तुम्हें नहीं लगा था ये ऐसा होगा, है ना लौला? शुक्र है ये बस एक बुरा सपना था। और तुम्हारी मॉम तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही है। लौला अभी भी अपनी आम जिंदगी जी रही है और वो उससे खुश है। कोई ब्रेड की चम्मच नहीं, एक आम फोक और अंडे। कुछ भी डरावना नहीं। काइली की सुबह भी कुछ ऐसे शुरू हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी। पैसों की बारिश का मतलब है उठने का समय हो गया। उसे पैसों के साथ ऐसा बर्ताव समझ नहीं आया। तुम पैसे इस तरह कैसे फेंक सकते हो? काइली को बटलर को समझाना होगा। हमारी नई मालकिन को ये बर्ताव मंजूर नहीं है। सारे पैसे इकट्ठा करो। अब ठीक है। लौला के लिए नाश्ता काफी नहीं था। उसे भूख लग रही है और उसकी पुरानी आदतें वापस आ रही हैं। लौला, तुम्हारी माँ कोई नौकर नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो बस उन्हें बता दो, और बेहतर होगा अगर तुम खुद खाना बना लो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही। काइली एक खास नाश्ता करने वाली है। रूल्स के हिसाब से उसके खाने से पहले बटलर को ठीक से टेबल सेट करना होगा। कितने सारे बर्तन हैं और ये सब एक कोल्ड प्लेटेड अंडे के लिए। क्या मैं शुरू करूं? इतनी जल्दी नहीं काइली, तुम गलत कर रही हो। तुम्हें दूसरा कटलरी सेट इस्तेमाल करना होगा। बहादुर बनो काइली। वो जरा भी ढंग नहीं है। हाई सोसाइटी के लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। तुम्हारी तमीज कहाँ गई? लौला का कमरा बहुत गंदा हो रखा है। लौला, ये तुम्हारी नई जिंदगी है, भूल गई? तुम्हारे लिए कोई और सफाई नहीं करेगा, तो सफाई शुरू करो। अब तुम्हारे पास कोई बटलर नहीं है। दिलचस्प तरीका, कचरे को फेंकने की बजाय बस छुपा दो। वो कितनी बेशरम है। तुम्हें लगता है अपनी मॉम को बुद्धू बनाना इतना आसान है? लौला को इसके लिए पक्का सजा मिलने वाली है। जब तक अपना कमरा साफ नहीं करोगी तब तक फोन नहीं मिलेगा।
आखिरकार काइली उसे तंग करने वाले बटलर से बच कर निकल गई। अब वो थोड़ा आराम कर सकती है। अब बस उसे सही चैनल ढूंढना है। नहीं, ये भी नहीं, यही है जो मुझे चाहिए था, पर इसकी आवाज़ ज्यादा नहीं है। आवाज तेज करो, उसे टीवी स्टेशन को कॉल करना होगा और उनसे वहाँ से आवाज तेज करवानी होगी। काइली जैसी अमीर लड़की के लिए ये आम बात है। टीवी स्टेशन उसकी बात ठीक से समझ गया और उन्होंने आवाज तेज कर दी। ये हुई ना बात। लौला को कॉलेज के लिए तैयार होना होगा। अब सारी जरूरत की चीजें पैक करने का समय है, पर उसे अपना बैग नहीं मिल रहा। क्या सारी क्लासेस के लिए एक नोटबुक? यह एक नोट है मॉम की तरफ से। इसमें लिखा है मंडे को मॉम बैग ले जाएंगी। खैर, यही जिंदगी है, उसे खुद सब कुछ उठाना पड़ेगा। लौला को बोर्ड पर बुलाया जाता है। जब से उसकी जिंदगी बदली है तब से ऐसा बहुत हो रहा है। ये सवाल उसके लिए बहुत आसान है। इन देशों के कैपिटल्स बताने हैं जहाँ वो अपनी पिछली जिंदगी में होकर आई है। उसने टास्क अच्छे से कर दिया, पर अब वो उदास है क्योंकि वो अब कभी वहाँ वापस नहीं जा पाएगी। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब काइली की बारी है बोर्ड पर जाने की, पर अमीर लोगों को इसकी आदत नहीं है। काइली बोर्ड के पास नहीं जाएगी बल्कि बोर्ड उसके पास आएगा। ठीक है काइली, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल क्या है? बटलर मदद करेगा। सही कहा, वॉशिंगटन डीसी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? लगता है बटलर के पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है, तो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लौला स्नैक खाने वाली है। लगता है उसके पास इंस्टेंट नूडल्स है। खैर, ये शानदार तो नहीं, पर ये काफी अच्छा है। ये थोड़ा सूखा सूखा है। लौला, क्या तुमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी? तुम्हें पहले उन्हें पकाना होता है। तुम्हें उबलता हुआ पानी चाहिए या फिर कम से कम कुछ गर्म, जैसे कि चाय। ये अजीब है, पर यही जिंदगी है। काइली को भी भूख लगी है, पर वो अपना लंच घर पर भूल गई है। लगता है जैक के पास थोड़ा खाना है। ओह वाह, एक चॉकलेट बार, और उसे चॉकलेट बांटने में खुशी होगी, पर पहले बटलर को टेबल सेट करना होगा। काइली से पक चुकी है। हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है। उसे इतने भूख लगी थी कि वो अपने मैनर्स ही भूल गई। लौला के सोने का समय है। उसका दिन बहुत मुश्किल रहा। लौला, नहीं, ताली बजाकर लाइट बंद करना सिर्फ तुम्हारी पिछली जिंदगी में मुमकिन था। लाइट ऐसे चालू बंद इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें बल्ब बदलना होगा। ये रहा माम का एक नोट। माफ करना लौला, इस जिंदगी में तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। काइली ने पढ़ने का सोचा। उसे किताबों से बहुत प्यार है, पर शायद अब उसे उनसे और ज्यादा प्यार हो जाए। लगता है किसी ने किताब में पैसे छिपाए हैं। और नोट हर एक पेज पर है। अब वो पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेटेड है। वो अपनी जिंदगी में पढ़ने के लिए पहले कभी इतनी उतावली नहीं हुई। इतना कि उसकी आंखें थक गई है, पर कम से कम उसकी आंखों ने काफी पैसे कमा लिए। लौला पहली बार अपनी जिंदगी में अपना मेकअप करने वाली है, वो भी अपने आप। ये आसान लगता है, पर ये है नहीं। बिना शीशे के मेकअप करना मुश्किल है। कम से कम लौला के पास अब भी उसका फोन है। फ्रंट कैमरा शीशे की जगह काम आ सकता है, पर एक परेशानी है, फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब वो अपना मेकअप नहीं कर सकती।
जैक फिर से पेन लाना भूल गया। शुक्र है काइली के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा पेन होता है, पर ढूंढना काफी मुश्किल है। उसका पेंसिल बैग पैसों से भरा है। लॉला को पैसों के बदले पेन बेचने में खुशी होगी और काइली को थोड़े पैसे देने में खुशी होगी। लगता है किसी दूसरे की जिंदगी जीना बहुत आसान है, बस अपनी तरह बने रहो। एल्मा जी को रिजल्ट से खुश है, लड़कियों ने अपना सबक सीख लिया। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? आपको कौन सी लड़की ज्यादा पसंद आई, काइली या लॉला? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।